राजकोट शहर क्राइम ब्रांच द्वारा गुत्सी टोकना गुनामा नास्ता फरता रीठा गुनेगारनी धरपकड़ करवामां आवी छे। शाहिल उर्फ सोयलो मोहम्मद पारेख मेमण नामना आरोपीने कुवाड़वा गाम खातेथी झड़पी पाड़वामां आव्यो छे अने पोलीस द्वारा कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। राजकोट शहर विस्तारमां टोळकी द्वारा छेल्ला घणा समयथी जुदा जुदा अनेक प्रकारना गुनाओ आचरवामां आव्या छे, जेथी आ टोळकीना आरोपीओ विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवी हती, जेमां इम्तियाज उर्फ लालो भीखुभाई रावमा तथा तेनी टोळकीना कुल 11 सभ्यो विरुद्ध गुनाहित इतिहासना आधारे गुनो दाखल करवामां आव्यो हतो, जेमां शाहिल उर्फ सोयलो मोहम्मद पारेख मेमण नामनो आरोपी नास्तो फरतो हतो, जेनी धरपकड़ करवामां आवी छे। थोराला में हमने एक गुस्सी टॉक का जो केस दाखिल किया था, उसमें 11 आरोपी में से 8 आरोपी अटक हो गए थे, उसमें से मुख्य आरोपी भी अटक हो गया था इम्तियाज। और अभी डीसीबी में मार्गदर्शन जिनका डीवी बसिया और अपने पीआई विरल गढ़वी का था, और जो पीएसआई पीएम धाकड़ा के नेतृत्व में जो एक नवा जो 9th एक्यूज्ड है सोहेल, उसकी भी धरपकड़ करने में आई है। ये काफ़ी टाइम से हमारी पकड़ से बचता रहा। इसने काफ़ी लंबे समय अलग अलग जगह घुमा, अहमदाबाद में थोड़े दिन रखा, थोड़े दिन थान में रहा, फिर गोवा, मुंबई, अजमेर, हर जगह घूम रहा था ये। और ये फाइनली फिर धाकड़ा को एक और सक्सेस मिली इसमें, और उसने उसकी धरपकड़ की है। आरोपियों के ऊपर टोटल 8-9 गुना है, जिसमें से उसके ऊपर प्रोही के भी केसेस हैं, राइटिंग के भी केसेस हैं, मारामारी के साथ साथ चोरी के भी केसेस हैं, अपने मिसचीफ के भी केसेस हैं। तो गंभीर गुनाह भी।